आजादी से बोल पाना वो बीजेपी का ही कमाल है। इसके पहले बोल नहीं पाते। आजादी से बोल पाना वो बीजेपी का ही कमाल है। इसके पहले बोल नहीं पाते। साहिबा गुंगा बोला साहिबा। मैंने तो नहीं देखा तक। कौन रोका? आज तक हुआ ही नहीं हमारे साथ कभी। 15 साल से आ रहा। क्या नहीं हुआ ऐसा इंटरव्यू कभी या कहीं पर किसी को देखा हो हमने? अरे यार हम तो ऐसे चला चलते करते रहते। इसमें कौन सा हमने कभी किसी को देखा नहीं ना किसी आजादी के साथ घूमते हुए। अबे साले कभी कुछ भी Assalamualaikum, hello guys, welcome to Bill Talks, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है राजीव रंजन एक्सपोजर संभक्त और राजीव रंजन न्यूज 24 चैनल में जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। राजीव रंजन के न्यूज चैनल में प्रोग्राम का नाम है माहौल क्या है। राजीव रंजन सारे न्यूज रिपोर्टर्स की तरह न्यूज रूम्स में बैठकर डिबेटों को ऑर्गेनाइज नहीं करते बल्कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। ग्राउंड पर जाकर लोगों को हाल पूछते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं बोलकर। और जब राजीव जी अपने प्रोग्राम माहौल क्या है के चलते पब्लिक से सवाल पूछने जाते हैं तब उसी पब्लिक में उन्हें अंधभक्त भी मिलते हैं। अंधभक्त इज इक्वल टू कंटेंट। इसीलिए राजीव जी कभी भी अंधभक्तों का ज्ञान हमारे सामने लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। बोलो बोलो सर, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं मैं उसका आंसर दूंगा ना आप। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ चुनाव का माहौल क्या है। या मैं बोलता हूँ, देखो चुनाव का माहौल ऐसा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जब देश आजाद हुआ था सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काम किए, अब बीजेपी की सरकार बनी थी और बीजेपी जो इस टाइम दुनिया में कांग्रेस से कई गुना अच्छा काम कर रही है। तो मेरी दुनिया से लोगों से यही अपील है कि हमें उसकी ही सपोर्ट करनी चाहिए जो देश को आगे लेके चले। मेरे पापा। धारा 370 का जो काम किया था। अरे हिमाचल के बताएंगे कश्मीर का? अच्छा क्या था 370? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। धारा 370 धारा वो थी, उसमें वो नहीं था सर, क्या उसमें जो स्पेशल था उनके लिए जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो मुझे इतना पता नहीं है। दूसरा काम बीजेपी का? बीजेपी का सबसे बड़ा काम है कि हिंदुस्तान जो हमारा देश है हिंदुओं का देश है, तो यहाँ सभी धर्मों और समाज के लोग रहते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो हिंदुओं का देश है, फिर कह रहे हो सभी धर्मों का। तो जो हिंदुओं का तो देश है ही है, लेकिन इसमें जो बाकी जाति धर्म रहते हैं उनकी भी मतलब उनका स्पेशल रिस्पेक्ट किया जाता है, किसी तरह का इग्नोर किया जाता है। अच्छा भाई, हमको सिखा दिया है। तीसरा सबसे बड़ा हिमाचल में ये जो काम किया जयराम की सरकार है, वो भी बीजेपी की देन है, क्योंकि दिल्ली में मोदी बैठे हैं, हिमाचल में जयराम की सरकार में। ये तीसरा काम है। तीसरा। एक बात मिलता है, बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर का दाम कितने से कितना हुआ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गैस सिलेंडर का दाम जो है राउंड अबाउट 40% बढ़ा है। पेट्रोल का भी राउंड अबाउट 30 से 40 रुपए बढ़ा, 30 बस हवा निकल गई। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई को राउंड अबाउट 6-7% का दो इंक्रीज हुई है, जबकि जो लोगों की इनकम भी बढ़ी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, लोगों के पास पैर गाड़ियाँ नहीं थी, पैदल कई तरह की थी, तो उसमें जो है बढ़ा भी है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इतना ही नॉलेज है? यस यार, इतना नॉलेज कम है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। एक बात ही बताइए, करते क्या? मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ मैं। क्या बोल, मैं समझा नहीं। क्या? मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ मैं। अच्छा, आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी और बिगमंगे और चप्पल चोर छेप कर रहे और साले। मैं बेरोजगार हूँ मैं, 98 का ग्रेजुएट हूँ और साथ में स्टेट लेवल का स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया का भी हूँ, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ नहीं सोचा है। ओह माय गॉड। करते खर्चा वर्चा? खर्चा कर लेते हैं, काम जो मिल जाता है कुछ। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? गुजरात के अंदर बीजेपी के अलावा और कोई नहीं आ सकता, और 100 साल तक कोई नहीं आएगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई नहीं आएगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई नहीं आएगा। आप देख लो रोड रास्ता 24 घंटे बोल रहे खुद, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, कभी भी माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। 100 साल तक नहीं आएगा, ओनली फॉर बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना, तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं करता। अच्छा यार, इतना वर्ल्ड की चिंता आपको, आप कुछ नहीं करते? अरे हम तो हम करते हैं ना, जो काम वो तो हम करेंगे,
और अगर सरकार हमको देने को कोई भी सरकार आएगी ना तो किसी को कुछ नहीं देने वाली। सरकार से कुछ मिला? मेरे को तो कुछ नहीं मिला है, कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं कमाता हूँ अपने आप से, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार से। क्या रे भीख मंगिया, काम करने में भी लटक रहे हैं फिर भी बातें ऐसी करती है, नहीं मालूम होता यार आपको? अभी महंगाई कितनी बढ़ गई, कितने लोग की खसी हो गई, खसी नहीं हुई कई लोगों। हाँ, तो फिर ये तो उसका प्योर ही इंसान है, इसीलिए बोलता है कि 100 साल तक ये रहेगा, ये नरेंद्र मोदी 100 साल तक जिएगा। क्या बात करता है वो, कुछ समझ में आता है नहीं आता? बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी है, रोजगारी सबको मिली है। जिसको काम नहीं करना है ना वो बोलेगा मेरे को रोजगारी नहीं मिली है, जिसको काम करना है वो कोई भी जगह से काम आ जाए। फटे तो फटे, नवाबी में फटे। आपने हमारे देश को बचाने डूबने से बचा लिया। किसे डूबने? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं आपको इतना कितना पता होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। क्या रे भीख मंगिया, आज आ जाऊंगा। आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम तो YouTube से, चाहे मतलब मोबाइल के माध्यम से, जो हम व्हाट्सएप से व्हाट्सएप से देखते हैं, इससे लगता है कि अगर हमारी मोदी सरकार नहीं होती। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? बी काम कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ है, ऐसा है, जानकारी तो बढ़ाना ही जरूरी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है? हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अब मुझे मेन बात ये बताइए, आपको कैसे पता चले कि व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो कितनी सही है कितनी गलत? देखिए सारे तो सही नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जाता है, अनुभव जब किया जाता है तो लगता है कि ये तो सचमुच हमारे लाइफ से रिलेटिव है। और जब वैसा ही टीवी चैनल में दिखाया जाने लगता है जैसा व्हाट्सएप में आता है, तब लगता है कि एकदम सही हो, राइट है। तब लगता है कि राइट है। इतना चक्र चल रहा है कि समझना बड़ा मुश्किल है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलू टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो। सबसे पहले तो आप में से या जैसे कौन भाई, ऐसे कौन लोग हैं भाई जो व्हाट्सएप से यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी पास कर रहे हैं, और साथ में, और सच में यार मतलब बड़े गजब गजब के कार्टून लोग पसंद कर लेते हैं यार, मतलब कहाँ से ले आते हैं। और सच बताऊँ ना तो असली में ज़्यादा तो ये पत्रकार जी हैं ना, यही भाई साहब लेते हैं कि इस तरीके से ऐसा चुनिंदा चुनिंदा लोग लेके आते हैं ना, जिनको देखने के बाद मुझे लगता है जब हम लोग वीडियो के थ्रू देखते हैं तब हम लोगों को कितनी मतलब ऐसा लगता है यार। और वो सामने से देते तो सोचिए उनका कितना दिमाग खराब होता होगा, उनको देख के लगता होगा ना कि मतलब अगर ऐसे देख के मुक्का मारता है ऐसा वाला कुछ फील होता होगा। बाकी कोई नहीं यार, भांति भांति के लोग, जैसे उन्होंने खुद बोला कि हमें आधा ज्ञान तो व्हाट्सअप से मिलता है, जिसमें से कुछ सही भी नहीं है, उनको खुद भी उस पर कन्फर्म है, फिर भी वो देख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिना सोचे समझे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।